Hello everyone, welcome back to my channel. Hey, so friend Ritu, I hope that you're doing well. So welcome back to another exciting vlog of the day. जैसे कि आपने last vlog में देखा था कि हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और उसके बाद क्या मैंने आपको अपना होटल रूम का थोड़ा सा छोटा सा टूर करवाया था और उसी में आपने देखा कि मैंने वहीं पर इस व्लॉग को एंड कर दिया था। होटल रूम पहुंचने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। इस लाइक एक दो घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया और ट्रैवल कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम लोग 12 बजे नीचे मिलेंगे। सभी लोग अभी तैयार होकर नीचे आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो यहाँ नीचे ही रेस्टोरेंट है इनका खुद का। सो ट्रिपल आर ग्रैंड होटल, ये इसकी लोकेशन पड़ती है श्राइन वैली के नाम से, इस जगह को जानते हैं जो कि बंजर रोड पर है। सो इसी के आसपास के जो अट्रैक्शंस हैं वो अट्रैक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर प्रोसेसिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। सो नाउ यू कैन सी हमने थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेकफास्ट में सब कुछ ऑर्डर करी, लाइक दो पराठे हमने किए हैं और उसके साथ में मैगी। मैगी यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मैगी नहीं खाओगे पहाड़ में आके तो क्या ही मजे आएंगे। much later. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे सभी 1 बजे तक आ गए थे नीचे। बाकी कुछ लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया था और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम बहुत पहले ही आ गए थे। आके हमने थोड़ा कुछ ऑर्डर करके खा लिया सो दैट हमें उस तरह से भूख ना लगे, क्योंकि हम ट्रैकिंग पर जा रहे हैं और ट्रैकिंग के लिए हम आज जा रहे हैं छुई वाटरफॉल जो कि है साची रोड पर। और अभी हमारी जो कैब है इसी जगह पे आके रुकी है साची रोड पे। यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है और यहाँ पे सामने कैफ़े भी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ पे बैठे रहूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, फर्स्ट टाइम एक ग्रुप के साथ ट्रैवल करना तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि है ना, हम लोग जब कैब में आ रहे थे तो मैंने एक कपल के साथ भी बातचीत करी, उन्होंने भी हमारे साथ बात करी। हमारे इस ग्रुप में ज़्यादातर कपल्स ही हैं और थोड़े बहुत सिंगल लोग हैं। 10 minutes later. So friends, हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है शुरू छुई वाटरफॉल के लिए। तो नीचे से ऊपर जाते हुए अभी इतना कुछ फील नहीं हो रहा है, जैसे कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे पति देव भी मुझे दे चुके हैं कि अभी ऊपर जा रही हो तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी और अगर बिना थके ऊपर चढ़ना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसा कि उन्होंने मुझे कहा, मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक दो और चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि ये छुई वाटरफॉल जो है ये तीर्थन वैली में पड़ता है और यहाँ जो हमने जहाँ से नीचे से शुरू किया है वो नागिनी विलेज है। तो नागिनी विलेज से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये कुछ 3 किलोमीटर का हमारा ट्रैक रहने वाला है। ये सबसे शॉर्ट ट्रैक माना जाता है। तो सीन को देखो यार, वो ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं, मैं तो धीरे धीरे करके चढ़ रही हूँ और थोड़ी जगह में मैं रुक कर देख भी रही हूँ क्योंकि इतना प्यारा नज़ारा जो है मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। तो आप भी थोड़ा ऐसे देख सकते हैं, इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ हैं। और मैं गई हूँ थक, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि है ना, मुझे पता नहीं था कि ऐसा लगता है कि 3 किलोमीटर की ट्रैक हो सकती है, लेकिन ऊपर चढ़ना इट्स नॉट ईजी। मेरे जैसे और भी यहाँ पे 2-4 लोग थे जो इसी तरह की बातें कर रहे थे कि आज हम जैसे ट्रैक पर आए हैं कि अभी और भी ऐसे ट्रैक पे हमें कल भी जाना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो वो जैसा उनको फ़ील हो रहा था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। 2-3 जगह तो मैं बैठ भी गई थी, पर इन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया यार कि उठो अभी भी चलना है। देखो आप देख सकते हो मैं इतना थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट जो है मेरे मुँह से बाहर निकल आएगा, इतना मैं थक गई हूँ। तो ये पता चल रहा है एक एक्चुअली इसमें आपको ये आपकी बॉडी के बारे में आपको ज़्यादा पता चलता है कि आप अगर ऐसी एक ट्रैकिंग पे आ रहे हो तो आपकी बॉडी कितनी केपेबल है। आई एम एक्चुअली थैंकफुल कि सीनो मुझे ऐसी ट्रैक पर लेकर आए और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ कि ऐसी जगह पर आने के बाद मैं फील कर पा रही हूँ कि यार मैं आज नेचर से कनेक्ट हुई हूँ। तो चलते चलते एक सच बात आपको और बताती हूँ, इतनी इमोशनल हो गई थी अंदर से कि जब होटल की तरफ आ रहे थे और उसके बीच में जो इतना प्यारा व्यू आ रहा था उसे देखकर मेरी आँखों से आंसू आ गए थे।
20 minutes later. I wonder what is real. Is this really what I feel? Is it what I've been searching for? So now what do I do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. So finally friends, we are at Chui Waterfall और ये एक satisfaction level है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ आकर मैं feel कर रही हूँ कि मैंने कुछ achieve किया है इतनी मेहनत करने के बाद. So इसका credit में जाता है सारा सीनो को जिन्होंने मुझे बहुत help किया ऊपर चढ़ने में. He's a helping hand to me. So friends, I'm extremely happy. और इतनी जगह जा चुके हैं तो उस जगह के साथ इस जगह का कोई कंपैरिजन नहीं है. सभी जगह अपनी अपनी जगह बहुत ही सुपर हिट है, तो ये भी हिट से ज़्यादा लिट है. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि छुई वाटरफॉल को यहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है और क्यों इसका नाम इस तरह से पड़ा. छुई वाटरफॉल या तीर्थन वैली का ऐसा कोई हिस्टोरिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिन्होंने इस छुई वाटरफॉल का पहले नाम जो रखा गया था वो छुई माता के नाम से रखा गया था. वो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे ये लोग आकर किसी त्यौहार या रिचुअल को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे पेड़ों की पूजा करते हैं. और जैसे कि छुई वाटरफॉल के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, और इसके बारे में और ऐसा कुछ खास तथ्य नहीं है जो मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करूं, बट यही कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको अगर आए तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें. यहाँ पे आप ऐसी कुछ अगर आप सभी से जो भी इसे देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस जगह को आकर, इतनी प्यारी जगह को आकर कभी गंदा मत कीजिए. कोई भी कूड़ा कचरा हो ये अपने बैग में रख लो तो भी बेटर है, लेकिन इससे नेचर से भरी हुई ये बहुत प्यारी सी जगह को आप इसी तरह से संजो कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि यहाँ के लोकल लोगों ने रखा. इन लोकल लोगों ने इस ऑफबीट प्लेस को इसी तरह से संजो कर रखा और बाकी धीरे धीरे लोगों को फिर उसके बाद पता चला और यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन भी गया. और अब उसके बाद क्या, हम लोग यहाँ इतने प्यारे से एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और साथ में खा रहे हैं मैगी. तो सुबह से दो बार मैगी खा चुके हैं और मोमोज तो अभी खा रहे हैं. पहाड़ पे आगे मैगी का खाने का कुछ और ही टेस्ट है यार. मैगी कैसी लग रही है? तो वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं. दिस इज द वे ऑफ छुई वाटरफॉल. इस तरफ जाएंगे तो छुई है और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ अब जाएंगे. नीचे उतर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से. हमारे जो ग्रुप के ट्रैवल में और भी मेंबर्स हैं वो सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन मैं जैसा और धीरे चलती हूँ तो इसलिए मैं पहले निकल गई. इन्होंने मुझे कहा कि चलो हम पहले से निकल जाते हैं. धीरे बातचीत करते करते गप्पे मारते मारते हम नीचे जा रहे हैं. सेल्फिस्टिक होटल में ही रह गई. पता नहीं यार, हमेशा ही ऐसे ही प्रॉब्लम होती है. देख रहे हो कितना गहरा है. गिरे तेरी छत पे. मेरे को भी थोड़ा. तो फ्रेंड्स, नीचे उतरते हुए हमें ऐसा कुछ खास टाइम लगेगा नहीं. ऊपर चढ़ते हुए हमें, जैसे कि 3 किलोमीटर की ट्रैक है तो इसे अगर नागिनी अगर विलेज से हमने शुरू किया था तो 1 घंटे तक मान लो कि आप पहुंच सकते हो अगर आप बिना रुके चलो तो. और जैसे कि हम आते वक्त रुके थे एक दो जगह पे और अभी जाते वक्त आई डोंट थिंक इतना टाइम लगेगा. तो हम फटाफट आप देख सकते हो तो मेरा जाते ही वहाँ पे वेट कर रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ धीरे धीरे. ऐसा है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिस रास्ते से चढ़ाई की थी, ट्रैकिंग शुरू करी थी, वहाँ से इन्होंने कहा था कि लगभग कुछ 1 घंटा लगेगा.
तो एक घंटा ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे, तो ऐसा लगे 1.5 घंटा या तो 2 घंटे ऐसे लग रहा था, क्योंकि हम जैसे कि रुक रुक के फिर जा रहे थे। तो नीचे जब उतरे तो लगभग हम बहुत ही जल्दी उतर गए थे 45 मिनट्स के अंदर ही। और मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी, अगर वहाँ से आप उतरे तो केयरफुली उतरो, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है उसकी बहुत ही पतली सी जगह है, वहाँ से काफ़ी लोग फिसले हैं, इसलिए साइड में भी थोड़े नेट वेट लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप केयरफुली उतरो वहाँ से और चढ़ो भी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम नीचे आ गए हैं और वेट कर रहे हैं दूसरे ग्रुप मेम्बर्स का, उनके आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। Later. Years later. So friends, we are back into Shrine Valley. तो जहाँ पर हम लोगों ने स्टे लिया है ये उसके होटल का बाहर का साइड है, जो कि हमें बैल्कनी से दिखता है। होटल में वापस। तो फ्रेंड्स, बाहर से ही होटल कुछ इस तरह से दिखता है और बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं थके हारे सब अपने अपने रूम पे जा रहे हैं। Moments later. जैसे कि हम लोग ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ही इंक्लूडेड है। डिनर से पहले हम बाहर वॉक कर रहे थे, फिर उसके बाद जब डिनर लग गया तो डिनर में आज था दाल चावल, पनीर की सब्जी, हलवा और साथ में सैलेड। खाना अच्छा ही था। Flashback. बहुत ही प्यारी प्यारी हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ली थी वहाँ पे। तो आज का दिन वैसे बहुत ही अच्छा बीता, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और कल एक और ट्रैकिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। End of flashback.